पांडा है, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। तो एक सेकंड में काम करने वाला जो प्रोडक्ट है, कितने आदमी देखने जाते हैं बोलिए? सभी चाहिए तो? खेती कितना आदमी करते हैं इधर? सभी आदमी खेती करता है क्या? देता है हम लोग को फलन, वो एक मारा है जो पेट भर हम लोग को भराता है। तो क्या होता है, अभी जो है घर का माँ तो सब उसको हम सजा के रखते हैं, प्यार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जो मिट्टी माँ है उसको हम प्यार नहीं करते हैं। क्यों, कैसा? उसमें ज़्यादा हम लोग रासायनिक सार यूज करते हैं, ज़्यादा कीटनाशक यूज करते हैं। इसके लिए क्या है, हम लोग का खेती होता है ज़्यादा शरीर में पड़ता है। तो ऐसा पकड़ो, जो आज हम लोग का इतना गैस्ट्रिक क्यों है, 10 साल उम्र से गैस्ट्रिक लग जाता है, क्यों, किसके लिए होता है, कौन बोलेगा? किसके लिए लग जाता है गैस्ट्रिक? हाँ सर, खाना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं? सब्जी में ज़्यादा केमिकल लगता है बोल के हमको, हम लोग को गैस्ट्रिक आता है, शुगर आता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा केमिकल हम लोग यूज करते हैं। तो केंद्र सरकार भी इसके लिए कुछ काम कर रहा है, जो केमिकल कम कर रहे, क्योंकि हम लोग कुछ महीने का पहले देखा है, हम लोग का गम चावल जो बाहर जाता है उधर अमेरिका जापान जो जाता है हम लोग का प्रोडक्ट, वो लोग बैन कर दिया, हम लोग का प्रोडक्ट लेता नहीं है। क्यों, हम लोग का प्रोडक्ट में ज़्यादा केमिकल वाला यूज करता है बोल के वो लोग ज़्यादा केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं लेता, वो लोग ज़्यादा ऑर्गेनिक वाला प्रोडक्ट लेता है बोल के हम लोग का प्रोडक्ट को बंद कर दिया है। पता है कोई तो खबर लिया होगा, पता है सर क्या है? अभी ज़्यादा कैंसर कौन सा राज्य में हो रहा है हम लोग का? क्या सर? पंजाब में, पंजाब में, पंजाब में ज़्यादा केमिकल यूज होता है। पंजाब में जितना फलन होता है वो ज़्यादा केमिकल, हाई केमिकल प्रोडक्ट उधर यूज करता है, इसके लिए उधर ज़्यादा कैंसर होता है। अभी वेस्ट बंगाल में कुछ आ गया है, उसका हवा लग गया उधर, इसके लिए आ गया है। तो छोड़ो, तो इसके लिए केमिकल तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा हम लोग एलोपैथी खा के हम लोग का प्रैक्टिस हो गया, होम्योपैथी आयुर्वेदिक देगा तो तुरंत काम नहीं करेगा, तो केमिकल देना ही पड़ेगा। उसके साथ हम लोग का कुछ एक तो प्रोडक्ट आया है सर, उसका पिक्चर दे दीजिए, नीम ऑयल का। आप सभी का पास बुक है ना, वो बुक लास्ट वाला पेज देखिए, जो नीम शक्ति बोल के प्रोडक्ट लिखा है ना, नीम शक्ति, वो हम लोग का नीम, एक नीम ऑयल है, 10,000 ppm का है नीम ऑयल। तो वो क्या करेगा, केमिकल हम लोग यूज करेंगे, उसका साथ इसको हमको देना है 15 लीटर वाटर में। जो हम लोग का तो अभी जमीन में कितना लीटर वाला बेरल हम लोग यूज करते हैं, 15 लीटर 16 लीटर यूज करते हैं ना कुछ? हाँ सर, 20 होता है, 125 होता है, हाँ 20 लीटर का होगा वो, छोड़ो जो होता है। तो 1 लीटर पानी में हमको 2 ml डालना है, जो हम लोग पहले पौधा लगाता है ना, पौधा दो 1 महीना का पौधा हो गया, 1 महीना पौधा। अब थोड़ा सब लिख दीजिए, नहीं तो हम, मैं बोलूँगा सब भूल जाएंगे, सब बोल बोल सब डायरी में लिख दीजिए, मैं बोल देता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, कैसा काम करेगा सब बोल देता हूँ, लिख दीजिए, लिखिए लिखिए, नहीं तो भूल जाएंगे। तो प्रोडक्ट निकले, प्रोडक्ट कंपनी में घर में रहेगा, कोई यूज ही नहीं करेगा। हाँ सर, डेमो लास्ट में करेंगे, पहले प्रोडक्ट बोल देते हैं। उसमें सी ई सी मिला हुआ है 5%, 1 महीना में 1,000 रुपये बेचूंगा। आधा लीटर वाला साल का बिक्री होता है, साल में 100 से 200 पीस। मैं बोला 1 महीना में आपको 1,000 पीस, 1 महीना में मैं 1,000 पीस ही ऑर्डर किया था, 1,000 पीस बिक गया, अभी और 1,000 से 2,000 पीस हम लोग का ऑर्डर आ गया। हम यूज कर देंगे तो जितना कीड़ा लगता है, लगता था उससे 50% कम लगेगा। अच्छा, बैगन हाँ, बैगन क्यों लगता है कीड़ा है, उसको पता है जो हमको 1 महीना में पेड़ लगा दिया, 1 महीना के बाद मेरे को एक कीड़ा आने वाला है, तो उस टाइम क्या करेगा वो, जो केमिकल यूज करेगा मार्केट में उसका साथ हमारा केमिकल 1 महीना में उसको 30 ml उसको साथ मिला के उसको देना है। देखिए खेती, हम जैसा हम लोग जॉब करते हैं, जैसा जॉब हम लोग का बिजनेस दवाई माना पड़ता है, तो उसमें क्या, हमको जो रोग आने वाला है उससे पहले हमको इलाज कर दे तो इतना बड़ा रिस्क नहीं होगा हम लोग, समझ में आया नहीं है? जो हमको आने वाला है, जो इस टाइम हमको ये वाला कीड़ा आने वाला है, कीड़ा आने का पहले हम मार देना दवाई दे दे तो कीड़ा नहीं आएगा ना, कोई टेंशन नहीं, आराम से चलेगा, कोई से नहीं है, ऐसा नहीं है जो यदि हम लोग का नीम ऑयल मार दिया तो वो गलती नहीं करेगा। जो मार्केट में जो विष मार रहा है, जो केमिकल मार रहा है, इसका साथ मिला के मारने का,
दवा क्या होता है, इसका जो केमिकल का जो लॉन्गजिविटी धरा 15 दिन का है, मार्केट का लॉन्गजिविटी 15 दिन का है, इसका क्या वो एक महीना कर देगा लॉन्गजिविटी, समझ गया ना। जो बूस्टर है, बूस्टर बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है हम लोग का, इसका काम बहुत अच्छा क्वालिटी का है। एक बैरल में आपको लगेगा 30 ml, एक बैरल में 8 बैरल में कितना 32, 320 ml लगेगा। इधर सब बात और गुजरे, एक और में हिसाब नहीं होता है, ये बैरल का हिसाब से आता है, समझ गया। क्वालिटी का है, इसमें ह्यूमिक एसिड है, फ्लोबिक एसिड है, अमोनिया एसिड है, एक सीविड है। मार्केट में जितना प्रोडक्ट मिलेगा आपको, अमोनिया एसिड मिलेगा, फ्लोबिक एसिड मिलेगा, ह्यूमिक एसिड मिलेगा, सीविड वाला कोई देता नहीं है। ये सीविड बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट, तो हम लोग का प्रोडक्ट में सीविड है। सीविड जो काम करता है वो मैं बोलूँ, ह्यूमिक काम कर, क्या क्या काम करता है पता है ना आप लोग को, ह्यूमिक एसिड क्या काम करता है पता है आपको? ह्यूमिक एसिड होता है ऐसा, वो मिट्टी में जितना खाना रहता है, मिट्टी में जितना खाना रहता है पेड़ के लिए, वो खाना क्या करता है, मिट्टी से पेड़ में मार देने के बाद मिट्टी से खाना निकाल देता है वो, तो पूरा पेड़ को देता है, वो सर्कुलर करता है पूरा पेड़ में, वो ह्यूमिक एसिड का काम है ह्यूमिक एसिड। और फ्लोबिक एसिड है, फ्लोबिक एसिड क्या काम करता है, फ्लोबिक एसिड का काम है पेड़ में जो फूल आएगा, ज़्यादा फूल आने के लिए सहायता करता है, फल को बड़ा करने के लिए सहायता करता है, ये फ्लोबिक एसिड का काम है। अमोनिया एसिड का काम क्या है, अमोनिया एसिड का काम है, लिख रहा है क्या, नहीं लिख रहा है, उस तरह बोल रहे हैं ना सर, 15 लीटर पानी में, मतलब 45 ml, हाँ सर 45 डेज में, उसके बाद 60 जाए, उसके बाद जो फलन जब आएगा सब्जी में, जो खेती में जब सब्जी आ जाएगा, फल आ जाएगा, 1 लीटर पानी में 2 ml देना है, 15 लीटर में 30 ml देना है, 60 डेज में। इसका हो गया, इसको और एक काम करते देखो, ये बहुत तरीके का काम करेगा, इसके लिए पूरा आधा घंटा लगेगा, पूरा डेमो करेगा। तो हम लोग का मिट्टी में, मतलब जमीन जो है, जमीन में पानी ऐसा रुक जाता है, जमीन का सामान पूरा सामान नहीं होता है, बराबर ऊंचा खाला जाता है, तो पैसा तो फ्री में नहीं आता है, और भाई हम लोग का पैसा जी गया। इसमें 5 ml डाल देंगे तो हमका पूरा 20 किलो का सार है, 15 किलो सार का काम करेगा, तो उसको 20 किलो सार हमको देना नहीं पड़ेगा, 15 किलो सार में हमको हो जाएगा। तो एक किलो सार का दाम हमें कितना है, 45 का, 40 का रुपीज़ के आसपास होता है, ये 5 ml का दाम कितना है, 5 से 7 रुपया हेस्ट पड़ेगा, तो 5 किलो सार का दाम कितना, 200 रुपया, हम लोग का 200 रुपया मेरा काम हो गया, तो सार भी सेव हुआ ना, मिट्टी भी मेरा अच्छा रह गया। इसके लिए सार में मिलाने में बहुत अच्छा काम करता, तुरंत काम हो जाता है। नहीं उठेगा नहीं, किसका फल नहीं मिलना का, नहीं ऐसा ही बीज मिलाने देने का पहले आप यूज करो, बीज का फल मिला के मत यूज करो, वो खराब हो जाएगा। मान लीजिए कि 50 किलो बीज है और 10 किलो पानी या 5 किलो पानी में 5 ml 2 ml जो भी मिला के कुछ नहीं बीज में नहीं देना का, बीज में नहीं देना, मतलब 1 month के बाद ही देना है, 1 month के बाद ही देना है क्या, बीज पहले दे सकते हैं ना, अब पहले दे दिए, माटी को नरम करेगा, जो आम जमीन में पानी छिड़काता है ना, पानी छिड़क देता है, उस टाइम आप दे दीजिए, मिट्टी बाली का साथ मिला के आपको पकड़ो 40 decibel का जमीन है, उसमें आप 200 ग्राम दे दीजिए, बालिका सन मिला के छिड़का दीजिए, उसके बाद बालिका सन, उसके बाद पानी डाल दीजिए, वो पानी आपका मिट्टी आपका नरम पूरा हो जाएगा, जैसे ऐसा नरम हुआ ना सॉफ्ट बना दे, पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा, उसमें जल धारण क्षमता बहुत बढ़ जाएगा। नहीं बीज का सन नहीं देगा, बीज खराब हो जाएगा, वो पेड़ उठेगा ही नहीं, पेड़ उठेगा नहीं, ठीक है। वो करके नहीं दिखाई, क्योंकि ये जो इतना भयानक इसका इफेक्ट आता है ना, कि सिर्फ डालो और बस एक जो बूंद है इसमें से लीजिए, एक बस बूंद इसमें डाल दो, देखो कैसे स्प्रेड हो रहा है,
ये पावर जो है हमारे मेरी ग्रीन के अंदर जो सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर होते हैं इसमें फर्क है। इसमें बाकी ये बनता है कैसे पता है? बाली से बनता है, बल्ली से, रेत है ना, रेती से बनता है। कैसे कैसे स्प्रेड हो रहा है, देखो कितना बढ़िया स्प्रेड हो रहा है। नॉर्मल पानी डालोगे स्प्रेड नहीं होगा, नहीं होगा, और अल्टीमेटली जो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है शरीर के अंदर आता है इस प्रोडक्ट से, वो शरीर के अंदर केमिकल भी कम आएगा। ठीक है, तो हमारे लिए भी अच्छा है, जानवरों के लिए भी अच्छा है, केमिकल बचाएगा। तो थैंक यू सो मच अरूप जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।